पर वो आवाज़ नहीं। ये देखो, ये देखा, सुना आपने, ये मोर बोल रहा था अभी अभी, ये यही वाला मोर बोल रहा है, ये वाला। तो भैया जी, जाते जाते रास्ते में बहुत सारी भेड़ आ गई हैं, भेड़ बकरी। तो भैया, ये आपने कभी देखे नहीं होंगे, किन्नू है ही किन्नू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कौशिक दी ट्रैवल्स में। तो आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है और सुबह के बज गए हैं लगभग 10। तो गुड मॉर्निंग सबको, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी एकदम अच्छे से हूँ। आप सबका आशीर्वाद मेरे साथ है, छोटों का प्यार मेरे साथ है, तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज का हमारा प्रोग्राम है, आज हम कुछ कर नहीं रहे थे वैसे तो, हम नॉर्मल घर पे बैठे हुए थे। तो अभी अभी मेरे पास भाई का फ़ोन आया है, रिंकू भाई का, कि हमको जाना है हिसार के लिए, वहाँ से हमारी सिस्टर रहती है वहाँ पर और उनको लेके आना है। तो उनको फ़ोन आया सडनली, कह रहे कि अभी चलना पड़ेगा। तो मैंने सोचा चलो चलते हैं, उनका फ़ोन आने वाला है, देखते हैं कौन जाएगा या कौन नहीं, शायद संगम भाई जाए या रिंकू भाई जाए, अभी कन्फ्यूज़न में हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। तो मेरे को तो बस इतना है कि मेरे को गाड़ी लेके वहाँ पर जाना है। हम हो चुके हैं बिल्कुल रेडी, फ़ोन में थी बैटरी थोड़ी सी कम, इसलिए हमने ले लिया साथ में डाटा केबल, और डाटा केबल लेकर हम साथ में जाएंगे। अभी बस मैं, फ़ोन आ गया, मैं निकल रहा हूँ और मेरे को संगम भाई को वहीं से पिक करना पड़ेगा उनके घर से ही, क्योंकि वो यहाँ पर नहीं आ रहे, उनके पास कोई बाइक स्कूटी नहीं है। तो मैं जाकर उनको वहाँ से लेकर आ रहा हूँ अभी जाके, ठीक है। तो फ़ोन में बैटरी ना होने के कारण डाटा केबल साथ लेके जानी पड़ेगी, गाड़ी में चार्जर है, हम वहाँ से चार्ज कर लेंगे। गाड़ी की चाबी, ये रही हमारी गाड़ी की चाबी, और अब हम चलते हैं बाहर के लिए। ये खड़ी है हमारी गाड़ी और यहाँ पर हम खड़ी खड़ी करते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा खुला खुला एरिया है, यहाँ पर गायें भैंस बैठी रहती हैं, ऐसे ही गायें बैठी रहती हैं बहुत सारी, तो यहाँ पर हम गाड़ी को खड़ा करते हैं। तो अभी निकल, हम बैठे हैं संगम भैया के घर के बाहर, हम संगम के घर के बाहर बैठे हैं और वो अभी तक आया नहीं है। मैं इतनी देर से उसका वेट कर रहा हूँ यहाँ पर, गाड़ी में एसी चलाकर बैठा हूँ, पर वो आ ही नहीं रहा। काफ़ी टाइम से मैं उसका वेट कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे लोग हमें मिलते हैं, देख लो, कब से मैं उसको फ़ोन कर रहा हूँ, वो फ़ोन भी नहीं उठा रहा कि बार बार फ़ोन करेगा, इसलिए उसने फ़ोन उठाना बंद कर दिया है। कोई बात नहीं, उसका इंतज़ार करते हैं, उसके आने के बाद इतनी शिकायत उसकी करेंगे। ये आ गए हैं यहाँ पर संगम भैया, आ रहे हैं, देख लो इन लोगों को, ऐसे ऐसे लोग हैं। और मेरा फ़ोन आ रहा है दूसरे फ़ोन पे, मैं उसको साइलेंट कर देता हूँ। ये देखो, आओ भाई, क्या हाल चाल? बढ़िया बढ़िया, तुमको एकदम बहुत टाइम लगा दिया यार, मैं कब का फ़ोन कर रहा हूँ भैया। बस थोड़ा मम्मा ने काम बोल दिया था, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। चलो ठीक है, चलो चलते हैं। ठीक है भाई, तो भाई आ चुका है और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से बहुत जल्दी, क्योंकि अभी हमको लगभग 150 किलोमीटर के करीब जाना है, तो उसमें टाइम भी बहुत लगेगा। मैं सोच रहा हूँ अंधेरा होने से पहले वापस घर पे आ जाएं, क्योंकि घर पे भी बहुत सारे काम होते हैं, वो भी मुझे आके करने पड़ते हैं। चलो निकलते हैं, जैसे जैसा सब कुछ होता है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो भैया जी, जाते जाते रास्ते में बहुत सारी भेड़ आ गई हैं, भेड़ बकरी, मैं चलो भैया जी चलो, बहुत सारी हैं भाई, बहुत सारी हैं। वगैरह निकल जाए, इनके ऊपर से थोड़ी निकाल दूंगा। बहुत सारी है भाई, बहुत सारी है, छोटी छोटी भी है, वो देखो पीछे तक है। बहुत बार रास्ते में एक से एक चीजें दिख जाती हैं हमको, भेड़, जैसे कि इतनी सारी भेड़ दिखना बहुत अच्छी लगती है भाई। ये देखो भाई, हमारे यहाँ पे ना इतनी ग्रीनरी रहती है, मतलब इन सड़कों पर जब हम जाते हैं इधर इधर की तरफ, और खासकर सावन के महीने में जब जाते हैं ना, फुल ग्रीनरी रहती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे सावन में बारिशें लग जाती हैं इधर के एरिए में, तो बहुत बारिश होती है, तो बहुत खास होता है। और साथ में ऐसे पेड़ पौधे ना बिल्कुल ग्रीन ग्रीन दिखाई देते हैं, और ये रोड इतने अच्छे लगते हैं। इसकी फ़ोटो ना आपको इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेगी, आप इंस्टाग्राम पे देखना, वहाँ पे मैंने बहुत सारी फ़ोटो ऐसी डाली हुई है जो उस टाइम की हैं, इसी रूट की हैं, तो बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटो भी आपको इस रोड की देखने को मिलेगी। ये कल यहाँ पर आई थी ना बारिश, उसके कारण से जगह जगह पर पेड़ गिरे हुए हैं, जगह जगह पर पेड़ पौधे गिर गए हैं, इसके कारण से बार बार रुकना पड़ रहा है, लोग लकड़ियाँ उठा रहे हैं, क्योंकि कल बहुत तेज़ बारिश हुई थी और बहुत तेज़ हवा चली थी, उसके कारण ये पेड़ गिरे हुए हैं जगह जगह पर। अभी हम आ चुके हैं राजौंद में, एक्चुअली ये मेरे मामा का गांव पड़ता है बीच में, मेरे मामा जी यहाँ पर रहते हैं, तो मेरे मामा का लड़का यहाँ पर देख रहा होगा, तो जरूर भाई मैं यहाँ से निकला हूँ, पर आप जलंधर में हो इस कारण से मैं आपसे मिल के नहीं गया, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो ये बात नोट करें। तो मैं यहाँ से जरूर जा रहा हूँ, पर भाई से नहीं मिल पाऊँगा, क्योंकि वो जलंधर में रहता है, वहाँ पर जॉब करता है,
तो स्पेशल उसके लिए शॉर्ट मैंने एक डाला है। तो अभी हम चलते चलते यहाँ पहुँचे हैं, एक गांव पड़ता है हमारे रास्ते में, ये रास्ता जब जाते हैं जींद से पहले तो इसको बोलते हैं कंडेला गांव। यहाँ पर एक नंदी जी महाराज की जो है समाधि बनाई गई है, यहाँ पर स्टोरी है कुछ, उन्होंने इस गांव वालों की कुछ रक्षा की थी, मुझे पूरी स्टोरी का पता नहीं है लेकिन मैंने सुना है बहुत बार। तो भारतवर्ष में जब भी आप ये घूमने के लिए निकलोगे ना तो यही सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, अलग अलग गाँव, छोटे छोटे गाँव, अलग अलग भाषाएँ, और साथ साथ में क्या मिलेगा आपको, अलग अलग परंपराएं, अलग अलग कहानियां सुनने को आपको मिलेंगी। तो ट्रैवल के लिए ना वर्ल्ड में जो सबसे अच्छी जगह है वो है इंडिया। इंडिया से बढ़िया आप कहीं पे ट्रैवल कर ही नहीं सकते। आप भारत में आएं, हर तरह का मौसम आपको देखने को मिल जाएगा, एक ही टाइम में, गर्मी भी, सर्दी भी, नॉर्मल टेम्परेचर में रहना, ये सब चीज़ें आपको एक टाइम में देखने को मिल जाएंगी। ये केवल इंडिया में ही मिल सकती हैं आपको, सिर्फ और सिर्फ इंडिया में देखने को मिलेंगी। तो अभी मैं यहाँ पर रुका था, मैं थोड़े से आपको बैक कैमरे से गाड़ी में बैठे बैठे दिखाऊंगा उनकी, एक जो नंदी जी महाराज की यहाँ पर समाधि बनाई गई है उसको, क्योंकि अभी मेरे को थोड़ी जल्दी है और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उतर कर आपको मंदिर के लिए दिखा दूँ। मेरे को थोड़ा जल्दी है जाने में क्योंकि लेट हो रहे हैं हम काफ़ी। तो मैं आपको बैक कैमरे से उसका शॉट दिखाता हूँ, एक मिनट। ये देखिए भाई साहब, ये है वो नंदी जी महाराज की समाधि, यहाँ पर लोगों ने इनकी समाधि बना दी है। मैंने फुल जूम करके आपको दिखाया है, यहाँ पर नंदी जी महाराज की समाधि आपको देखने को मिलेगी ना। आज भी लोग इनका पूजा करते हैं और यहाँ पर मेला भी लगता है इनके टाइम पे, कुछ इनका अपना टाइम है तो उसमें मेला भी लगता है। अभी टाइम हो गया है रिफ्यूल का और यहाँ पर हम रिफ्यूल करवा रहे हैं भाई से। यहाँ पर रिफ्यूल होने के बाद अब हम आगे जाएंगे क्योंकि फ्यूल भी बहुत जरूरी है। और एक खास बात, मोदी गवर्नमेंट ने अभी यहाँ पर रिबेट दिया फ्यूल में, कुछ डीजल में मेरे हिसाब से 7 की कुछ दी है, 7 रुपए की। तो अभी थोड़ा सा तेल सस्ता हो गया, देखते हैं कितना है भाई डीजल, क्या रेट है। 89.86 ये चला हुआ है भाई डीजल का रेट हमारे हरियाणा में। और आपके यहाँ पर क्या क्या चला हुआ है तो आप ये कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। तो हम आ चुके हैं भाई हांसी में, हांसी में ये गांव पड़ता है थोड़ी सी दूर। तो यहाँ पर अभी हम पहुँचे हैं और अभी हम पहुँच के ना यहाँ पर पीछे ही घर है उनका, सिस्टर का, ये संगम भैया की रियल सिस्टर है, तो हम जिसको लेने आए हैं यहाँ पीछे ही घर है। और हम लोग यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर दो नहरें बिल्कुल घर के बिल्कुल पास से निकलती हैं, जैसे कि ये मेरे पीछे आप देख पाओगे एक एरी, और एक इसी के पीछे है, एक इसी के पीछे, एक ये मेरे पीछे, एक उसके पीछे एक और नहर है, दो नहरें एकदम इकट्ठी निकलती है। और यहाँ पर बहुत सारे मोर हैं, मैं पहले भी कई बार आया हूँ तो मैंने यहाँ पर मोर देखे हैं बहुत से। अगर आज भी दिखता है ना तो मैं आपको कोई ना कोई मोर जरूर दिखाऊंगा, अगर दिखा तो। एक मेरे सामने बैठा है लेकिन वो पेड़ के अंदर है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, पता नहीं आपको दिखेगा या नहीं, कोशिश करते हैं जूम करने की। इसके अंदर बैठा हुआ मोर इस पेड़ के अंदर, आपको दिख रहा है, पर अपनी आँखों से मैं ठीक देख पा रहा हूँ, ये देखिए दिख रहा है। और अभी बोलेगा तो आवाज़ भी आपको इसकी सुनाई देगी। मोर देखने की कोशिश, मोर बैठा है ये वहाँ पर बैठा है, वो किसी तरह से उड़ के नीचे आ जाए तो आपको क्लियर दिखेगा, उसके बड़े बड़े पंख भी हैं भाई, साफ दिख रहा है वो, पर वो आवाज़ नहीं। ये देखो, ये देखा, सुना आपने, ये मोर बोल रहा था अभी। गाँव में रहने का भी अपना अलग ही मज़ा है भाई, मेरे को तो गाँव में आके बहुत मज़ा आता है जब भी मैं गाँव साइड आता हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी बिजली की प्रॉब्लम है और जहाँ पर हम आए ना इधर साइड पानी की भी प्रॉब्लम है, इधर साइड ना पानी थोड़ा नमक से वाला है, मतलब खारा सा पानी है, पानी बहुत अच्छा है यहाँ पर नहीं है, तो पानी के लिए यहाँ पर जरूर समस्या आती है बंदे को, पानी यहाँ पर बहुत अच्छा नहीं है। पर यहाँ पर ऐसे ही है, ये नहरें आती हैं जब पानी आता है, इनका सुनाई दी, ये देखो ये मोर बोल रहे हैं यहाँ पर। देखो भैया, ये आपने कभी देखे नहीं होंगे, किन्नू हैं, किन्नू छोटे छोटे हो रहे हैं अभी, अभी लगने शुरू हो गए हैं, इसे बोलते हैं किन्नू। और ये इधर है नींबू का पेड़, ये घर के बिल्कुल बैक साइड में लगे हुए हैं, ये देखो आपको नींबू भी दिखाता हूँ छोटे छोटे, ये देखो छोटे से नींबू। और एक मोर ये बार बार आवाज़ मार रहा है पर नीचे नहीं आ रहा पेड़ से, ये देखो ये किन्नू का है, ये नींबू का है, एक जैसे लगते हैं पर जो लोग जानते हैं वो बता देते हैं। हम आ चुके हैं अपने शहर पुंडरी में और आज हम घर पर वीडियो एंड नहीं करेंगे, आज हमने सोचा हम गाड़ी में वीडियो एंड कर देते हैं क्योंकि संगम भैया को फिर मैं घर छोड़ने जाऊँगा, उसके बाद वीडियो एंड करेंगे। अभी भाई अपने घर जाके खाना खाना, भाई इन्होंने रास्ते में भी कुछ नहीं खाया भाई, देखो फ्रेंड्स इन्होंने रास्ते में, मैंने नहीं बहुत बार बोला कि यहाँ पे रोक ले भाई, कुछ खाएंगे कुछ खाएंगे, एक बार भी इन्होंने कहीं पे भी गाड़ी स्टॉप नहीं किया, सीधा जाते हैं अभी रात के 10 बज रहे हैं और मेरे घर से आ रहे हैं फोन है, और बीच में फोन की होगी थी बैटरी डाउन तो मेरे को बहुत जल्दी थी और घर से फोन आ रहे थे बार बार, इसलिए मैंने कुछ नहीं खिलाया भाई, देखा अभी भी नहीं खिला रहा मैं तो, सीधा बोल रहा हूँ घर जाके खाना खाइयो आज इतनी सांत्वना तुझे दे सकता हूँ मैं, जोर से भूख लग गई है भाई ने, एक बार भी
दया भी नहीं आई, बिल्कुल इतनी सी भी दया नहीं आई भाई ने। चलो कोई बात नहीं, इसकी उधार रख लिया हमने, नेक्स्ट ट्रिप पे जब भी कहीं पे जाएंगे तो इसको जरूर खिला के लेकर आऊंगा अच्छा खाना। वैसे हमारा ये था कि जिन जब हम गए थे तो वहाँ पे एक अर्बन फूड आता है, वहाँ पे खाना खाएंगे, पर टाइम ना होने के कारण भाई मैं खिला नहीं पाया या खाने खाया, मैंने भी नहीं खाया, इसने मैंने भी नहीं खाया भाई। तो अभी घर जाके खाना खाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आज की वीडियो में जो कुछ मैंने आज किया, मैंने आज आपको दिखाया। वीडियो अच्छी लगी तो आप सब लाइक करना, चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्माइल ऑलवेज।